नमस्कार, इस समय मौजूद है हरियाणा के करनाल में और आज करनाल में घना कोहरा एकदम देखा जा सकता है। विजिबिलिटी 0% हो चुकी है। ये तस्वीरें करनाल की देख सकते हैं, जहां पर किस तरह से मैं 5 फुट की दूरी पर हम खड़े हैं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल का जो गेट है वो तक दिखाई नहीं दे रहा, नाम तक दिखाई नहीं दे रहा, और शहर में और हाईवे पर घना कोहरा देखा जा सकता है। इसलिए तमाम लोगों से अपील है, क्योंकि आज शाम को 7 बजे ही घना कोहरा हो गया था, अपने सावधानी बरतनी है। अचानक मौसम ने करवट ली, हालांकि काफी गर्मी देखी जा रही थी मौसम में, दिन के समय धूप तेज निकलती थी, लेकिन आज अचानक जो है मौसम में बदलाव आया और एकदम घना कोहरा देखा जा सकता है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है बिल्कुल 0% हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मैं 5 फुट की दूरी पर भी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल का जो बोर्ड है वो तक दिखाई नहीं दे रहा। शाम को 7 बजे ही आज घना कोहरा गया था, और लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज तमाम लोगों से अपील करता है कि अगर आपने हाईवे पर सफर करना है या शहर के बीच में भी चलना है तो सावधानी से जरूर चलिए, क्योंकि काफी ज्यादा घना कोहरा आज शाम को करनाल शहर में और करनाल नेशनल हाईवे पर देखा गया। 7:30 बजे ही घना कोहरा हो गया था, और हमारी आप सभी से अपील है कि और भी जगहों से घना कोहरा की अपील आ रही है। कैथल में भी, अब जैसे कि कुछ लोग लिख रहे हैं कि कैथल में भी आज घना कोहरा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि ये लाइव आने का मुख्य मकसद ये है कि लोगों को अपील की जा सके ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके, ताकि सड़क दुर्घटनाएं, क्योंकि कोहरे में काफ़ी ज़्यादा होती है। आज सुबह भी हाईवे पर देखा गया 2 से 3 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। हाईवे पर चलते समय सावधानी बरतें, लेकिन आज करनाल शहर के अंदर तक देखा जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा है और जो विजिबिलिटी है बिल्कुल 0% हो गई है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि सामने से आ रही जो व्हीकल्स हैं वो दिखाई नहीं दे रही हैं, जिस कारण जो व्हीकल्स की स्पीड है काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। और इस समय आप देख सकते हैं जो PCR है, क्योंकि पुलिस ने प्रेस ने अपनी ड्यूटी जरूर कर दी है, चाहे मीडियाकर्मी हो वो भी आपको ठंड में कोहरे में आपको अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आएंगे। इसी तरह से करनाल पुलिस के जवान भी आप देख सकते हैं कि इस कोहरे में खड़े हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, घना कोहरा है, लोगों से क्या अपील करेंगे? ठीक है, अपील है जी, थोड़ा घना कोहरा होना इस कारण अपनी गाड़ी धीरे चलाए और बेवजह मतलब वैसे ना घूमे, आराम से चलाए, आराम से चलाए, धुंध का टाइम है तो आप सेफ रहे हैं। अचानक ही कोहरा आ गया था सर काफी आज? हाँ, अचानक से कोहरा आ गया जी, रेड बत्ती देख करके अपना धीरे चलाई गाड़ी, सेफ पहुंच से अपना घर। तो बिल्कुल आज सावधानी बरतने की जरूरत है। आप देख सकते हैं इस समय हम करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के बाहर है, जहां पर काफी ज्यादा घना कोहरा शहर में देखा जा सकता है। आज 7:30 बजे ही काफी ज्यादा घना कोहरा हो गया था, और महज 5 फुट की दूरी पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सड़क दुर्घटनाओं से बचना है तो हमने सावधानी जरूर बरतनी है, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। हालांकि पुलिस के जवान आपको ड्यूटी करते मिल जाएंगे, करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम लगातार 24 घंटे करनाल के लिए, हरियाणा के लिए और अपने प्रदेश के लिए खबरें जरूर दिखाती है, आपको अपडेट करती है। शहर से जुड़ी हर खबर, हरियाणा से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने की करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम कोशिश करती है, चाहे सुबह हो चाहे रात हो, पल पल की अपडेट करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं अचानक करवट बदली है। हालांकि दिन में के समय धूप होने के कारण जो है गर्मी में एहसास हो रहा था, लेकिन एकदम जो है अचानक इस धुंध के कारण, इस कोहरे के कारण मौसम में भी जो है ठंडक आई है। और ये लाइव तस्वीरें समय करनाल की देख सकते हैं। लगातार करनाल के तमाम लोगों से अपील, हाईवे पर चलते समय और शहर में भी चलते समय सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है, और सावधानी अगर नहीं आप बरतेंगे तो कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाओं का एक जिम्मेवार आप भी हो सकते हैं। कुछ और लोग हैं, आम लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। बहू जी क्या कहना चाहेंगे, अचानक जो है कोहरा काफी ज्यादा हुआ है तो कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे, लोगों से ताकि अपील की जा सके, क्या कहना चाहेंगे सर? अचानक एकदम मौसम आज बदला और एकदम कोहरा काफी ज्यादा हो गया शहर में भी। हाँ जी सर, बस ये तो मौसम चेंज हो रहा है इसलिए हुआ सर। लोगों से अपील करेंगे कि सावधानी जी, हाँ जी जरूर सावधानी से चले, देख के चले सर, अपना ख्याल रखें सर। तो बिल्कुल सावधानी से चलें, कोहरे में ध्यान रखें, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है। और ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, और हमारी आप सभी से अपील है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। आप देख सकते हैं कि सामने से आ रही गाड़ी की सिर्फ लाइट नजर आ रही है, लेकिन गाड़ी नजर नहीं आ रही, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है। नजदीक आने पर पता चला कि वह एम्बुलेंस है। आप देख सकते हैं कि 2 फुट की दूरी पर आने पर पता चला कि वो एम्बुलेंस की गाड़ी थी, लेकिन 5 फुट की दूरी पर आप देख सकते हैं गाड़ी की पहचान तक नहीं होती है, लेकिन फिर भी काफी लोग
काफी तेज स्पीड से व्हीकल चला रहे हैं, लेकिन उनको सावधान रहने की जरूरत है। सामने से आप देख सकते हैं कि सावधानी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि तेज स्पीड से अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो कोहरे में एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस तरह की जो सावधानी है लगातार जो है आप सभी से अपील करता है कि सावधानी में ही सुरक्षा है। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार आपको पल पल की अपडेट, हर शहर से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता है। और आज भी आपने देखा कि करनाल शहर में हाईवे पर अचानक जो है काफी ज्यादा कोहरा हो गया, जिसके कारण हमें सावधानी जरूर बरतनी है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और प्लीज घर से निकलने से पहले जरूर सोचिए, अगर कोई जरूरी काम नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो कोहरे में अपने परिवार के साथ सफर करने से जितना ज्यादा हो सके उतना जरूर बचा जाए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।